अदरक के संदर्भ में भारत के शास्त्रों में और जितने ग्रंथों में लिखा हुआ दुनिया में कहीं नहीं लिखा है। तो हमारे हम सबको पता है सर्दी जुकाम हो तो अदरक कूट करके उसका रस निकाल करके और थोड़ा शहद मिला करके ले लो तो सर्दी जुकाम ठीक होता है, एक सामान्य प्रयोग है। पर सबको पता है कि आयुर्वेद है और बहुत इफेक्टिव है। जो एलोपैथिक जो टॉप लेवल की जो एंटीबायोटिक्स हैं यदि वो काम ना करे तो आप क्या करना, अदरक को कूट करके लगभग 5 ग्राम अदरक को कूटेंगे तो लगभग आपको 2 ग्राम लगभग आपको रस मिलेगा और उतना सा लेकर के उसमें शहद मिला करके और आप चाट लीजिए दिन में 2-3 बार, आप देखिए कैसी भी खांसी और कफ की शिकायत है वो आपको ठीक हो जाएगा। किसी को कफ हो रहा तो कहेंगे अदरक वाली चाय पी लो, उस चाय में भी डाल करके, और मैंने देखा कि ये अदरक वाली चाय की परंपरा और ये मसाले वाली चाय की परंपरा भारतवर्ष में ज़्यादा प्रचलन में है, बाहर विदेशों में नहीं है। वो चाय को चाय की तरह ही पीते हैं, यहाँ तो चाय में भी अदरक डाल दिया जाता है, उससे उसके गुण की वृद्धि होती है, सर्दी कफ जुकाम में लाभकारी जो उसका गुण है बढ़ जाता है। तो कितनी सामान्य सी बात है, वह जोड़ों के दर्द के लिए भी काम करता है। हम हल्दी मेथी सौंठ 3 चीज़ का पाउडर कर करके तीनों चीज़ को आप 1 चम्मच सुबह शाम ले लीजिए पानी या दूध से। हल्दी मेथी और सौंठ सामान्य सी चीज़ हैं, जिनको अर्थराइटिस की शिकायत हो, जिनको कफ की शिकायत हो, थायराइड होने की संभावना हो या थायराइड की प्रारंभिक स्थिति हो, जिनको एक्सेस फैट हो, मोटापे के लिए भी ये काम करती हैं चीज़, इवन जिसको पेट में कॉन्स्टिपेशन और गैस बनती हो उसमें भी ये चीज़ काम करती है। आयुर्वेद की एक विशेषता है, ये खासियत है कि हम एक द्रव्यों से बहुत तरह के जो रोग हैं हम उनको ठीक कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और उसका कोई नुकसान भी नहीं है। एक अदरक एक हल्दी हम बहुत सारे रोगों को उससे ही ठीक कर सकते हैं, तो कितना सरल और सुगम है। अदरक खाने मात्र से हम कफ से लेकर सर्दी से लेकर के कई बीमारियां ठीक कर सकते हैं। यदि भोजन से पहले अदरक के टुकड़े कर लो, 4-6 टुकड़े जो है करके भोजन से पहले उन अदरक के टुकड़ों को चबा करके खाएंगे, थोड़ी तीखी लगे तो रोटी के 1-2 टुकड़े ले लेना साथ में उसको खा लेना, तो इससे भूख की वृद्धि होती है। यानी खाना खाने से पहले खाया हुआ अदरक भूख को बढ़ाता है। भोजन के बीच में अदरक खा लें तो वायु नहीं बनती है, भोजन पचने में उससे सहयोग मिलता है, और यदि भोजन के बाद में अदरक खा लें तो खाया हुआ पच जाता है, जो हमने भोजन खाया वो हजम हो जाता है। कितनी बढ़िया चीज़ है, और आप कल्पना करिए कि कितना गहरा अनुसंधान है हमारे ऋषियों का। एक अदरक और आप प्रयोग करके देखो, मैं सच बता रहा हूँ, आप देखेंगे आपको बहुत फर्क मिलेगा। भोजन के साथ खा करके देखो अदरक को,